तो काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूवर्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी हम लोगों को, जो है वो नॉर्मल पुरानी गाड़ियों के बोला था कि भाई आप पीछे के मॉडल्स वगैरह जो है हम लोगों को लाजमी दिखाएं, यानी कि दो तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी है 98 का मॉडल है। तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी है, हमारे सामने एक और गाड़ी है 2008 का मॉडल, हमारे सामने एक और गाड़ी है 2007 का मॉडल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होगी। तो यार आज के व्लॉग में हम दोबारा कार मार्केट आ चुके हैं और मैंने गाड़ियों की काफ़ी सारी वीडियोस बना ली हैं। अभी मैं इंट्रो आखिर में शूट कर रहा हूँ ताकि जैसे मैं पहले आया था मैंने सारी वीडियोस बना ली हैं। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया था लेकिन मैंने सारी गाड़ियाँ कवर कर दी हैं और जो मुझे कमेंट आए थे मेहरान हो गए दूसरी गाड़ियाँ, वो मैंने गाड़ियाँ ऐड भी कर दी हैं। अगर आपको कोई भी गाड़ी ऐड करवानी हो या देखनी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट संडे उस गाड़ी को ऐड कर सकूँ। बाकी एक कमेंट करके बता देना कहाँ से देख रहे हो, जो लोग बता चुके हैं वो ना बताएँ और जो नहीं बताते मतलब जिन्होंने नहीं बताया कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके बता देना ताकि यार पता लगे कि मुझे यहाँ से लोग मुझे देखते हैं, तो दिल से खुशी होती है। बाकी अगर चैनल पे पहली दफ़ा तो सब्सक्राइब करके बराबर में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड में तो हमारे सामने सबसे फर्स्ट गाड़ी है मेहरान, अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो, अभी मैं आपको गाड़ी का साइड लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ सही से। तो अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो, साइड से देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन। अभी मैं आपको गाड़ी के टायर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के टायर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का बैक लुक वगैरह दिखा देता हूँ, ये गाड़ी की कुछ इस तरह से गाड़ी की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। और बैक के लुक की बात करें तो बैक से हमें कुछ इस तरह से गाड़ी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। ओवरऑल हमें गाड़ी इस तरह से दिखने को मिल जाती है। अगर हम अंदर की बात करें तो अगर गेटों की बात करें तो हमें गेट कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। और सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी की दिखने को मिल जाती हैं। ये गाड़ी की आप सीट देख सकते हैं, ये ऊपर से भी आप गाड़ी की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का आगे का बोनेट वगैरह भी दिखा दूंगा और उससे पहले इंटीरियर वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी के आगे के गेट्स भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आगे के गेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर हमें गाड़ी का कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है। आगे की सीटें आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको गाड़ी का बोनेट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ, उसके बाद भी इंजन भाई की गाड़ियों की भैंसे उल्टे करते हैं। आप गाड़ी का ये इंटीरियर रूम वगैरह देख सकते हो, इंजन रूम, आप गाड़ी का इंजन रूम देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन रूम दिखने को मिल जाता है। आपको अगर मैं करीब से दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हैं ये। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं और भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं और भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बता दें गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत तफसीलात वगैरह। जी ये गाड़ी का मॉडल है 7 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, इसके मांग रहे 4,60,000 रुपये। ठीक हो गया, पेट्रोल सीएनजी दोनों पे या सिर्फ? नहीं पेट्रोल पे, सिर्फ पेट्रोल पे जी। और एसी वर्किंग में? नहीं एसी वगैरह सब चीज़ वर्किंग में। सही, और आप इसकी डिमांड क्या रख रहे हैं? 4,60। अंदाज़ा है कितना चली हुई होगी? ये अंदाज़ा नहीं है लेकिन फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 1 लीटर में कितना दे रही है अंदाज़ा है पेट्रोल पर? तकरीबन 400 कितना देती है? 13-14 दे रहा है। 13-14 है। तो भाई आप अपना नंबर और नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है आमिर। ठीक हो गया, आपका नंबर? 0344। सही, 2285724। लोकेशन कहाँ की है? ये सईदाबाद 24 की मार्केट, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ठीक हो गया भाई, ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दिए, नंबर और नाम बता दिए। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी है 98 का मॉडल है, आई थिंक भाई से दोबारा पूछ लेंगे अगर कंफर्म नहीं है तो। अभी हम आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का साइड लुक दिखाऊँ तो साइड से हमें गाड़ी की कुछ इस तरह से गाड़ी की कंडीशन वगैरह देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको गाड़ी का बैक लुक कहूँ तो बैक भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का देखने को मिल जाता है। गाड़ी का बैक कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। और आप टायर की बात करें तो टायर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के टायर वगैरह दिखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको गाड़ी की सीट्स वगैरह दिखाऊं तो सीट्स हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती हैं। और गेट की बात करें तो गेट हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं, ये गेट ये हमारे कुछ इस तरह से। तो अगर हम सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाती हैं, आप सीट्स सही से गाड़ी के देख सकते हैं।
कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के सीट्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको छत दिखाऊँ तो गाड़ी की कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की छत देखने को मिल जाती है। और अभी मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखा देता हूँ, आगे के गेट्स वगैरह की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आगे के गेटों की बात करें तो आगे के गेट्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। और अभी मैं आपको अगर इंटीरियर वगैरह दिखाऊँ, ठीक हो गया, पावर विंडोज़, ठीक है जी, पावर विंडोज मैंने बता दिया। और आप इंटीरियर भी देख सकते हैं और गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देखें तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन बाइक की गाड़ी भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, गाड़ी का इंजन हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है। और अगर मैं आपको गाड़ी का इंजन सही से दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन दिखने को मिल जाता है। ये गाड़ी का इंजन रूम हो गया। अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन से भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन से भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। यार देखो ये मिट्सुबिशी 88 का मॉडल है, इसके अंदर नॉर्मली होता है कि पावर विंडोज़ नहीं आती, इसमें पावर विंडोज़ हैं एज वेल एज इसका पावर स्टीयरिंग इसके साथ नहीं आता, पावर स्टीयरिंग मैंने लगाया, इसका कार्बोरेटर मैंने भी चेंज कराया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मॉडिफाइड नहीं कह सकते, लेकिन आप ही कह सकते हैं ये बेहतरीन इंजन की गाड़ी, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन के अंदर और बेहतरीन है, बहुत स्टेबल है चलने में, जैसे हवा आपने देखा होगा आगे पीछे होती तो गाड़ी भी आगे पीछे होती है, इस तरह नहीं, बहुत स्टेबल पोजीशन है गाड़ी की और बहुत स्टेबिलिटी से गाड़ी जो है ना वो चलती है। और कोई बात, कोई सवाल? आप ये बता दें पेट्रोल सीएनजी दोनों पे या सिर्फ? नहीं, सीएनजी किट भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और पेट्रोल भी है, लेकिन मैंने इसको जो चलाया है वो ज़्यादातर पेट्रोल भी चलाया है, मैंने सीएनजी भी नहीं चलाया इसको। ठीक। और एक लीटर में कितना दे रही है पेट्रोल? यार ये अभी चल दे रही है 10-12 गालिबन, 10-12 का एवरेज अभी फिलहाल है इसका। तो हाँ, ओनर कौन सा है? ओनर है, फर्स्ट ओनर है। सब क्लियर है, 20 तक इसका टैक्स पेयर है, टैक्स पे हो चुका है 22 तक इसका, 2022 तक टैक्स पे हो चुका है। और बाकी और कोई ऐसी नहीं है, हाँ CPLC क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और इसका स्मार्ट कार्ड भी बना हुआ है इसका। ठीक है, अपने नंबर और नाम बता दीजिएगा। मेरा नंबर है 0334-0272804 और मेरा नाम ओवैस। ये जो यूट्यूब हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसका आपको सारा मेरा इन्फॉर्मेशन लिख के दे देंगे। गुलिस्तान है जौहर, लोकेशन है नियर बलोस्तान सज्जी, तो कोई भी गुलिस्तान जौहर में बंदा रहता है वो आके मुझसे मिल सकता है। वो डिमांड भी बता दीजिए। मेरी डिमांड है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो बाकी ये कि अगर ये मेरे यूट्यूब के दोस्त हैं इनके चैनल के तवसुस से आएंगे तो फिर इंशाल्लाह नेगोशिएशन कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक। तो भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दिए और आप 2.5 लाख भाई ने अपनी डिमांड बताई है। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है या आपको गाड़ी चाहिए तो भाई ने लोकेशन भी बता दी है, आप मिल भी सकते हैं, नंबर भी दे दिया, आप कॉन्टेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। तो हमारे सामने एक और गाड़ी है, अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो, अभी मैं आपको गाड़ी का साइड लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ और आप गाड़ी के ये टायर वगैरह देख सकते हो। गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की दिखने को मिल जाती है। अभी मैं आपको गाड़ी का साइड लुक और बैक लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ। और टायरों की बात करें तो टायर हमें गाड़ी के कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का बैक लुक वगैरह भी दिखा देता हूं, उसके बाद गाड़ी के अंदर से कंडीशन दिखा देता हूं। अंदर से अगर गाड़ी की बात करें गेट हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के देखने को मिल जाते हैं। और सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के देखने को मिल जाती हैं। और आगे के गेटों की बात करें तो आगे के गेट हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाते हैं। और आगे की सीटों की बात करें तो ये भी हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अभी आप बता दीजिएगा। और इंटीरियर की बात करें तो हमें इंटीरियर भी कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है गाड़ी का। अभी मैं आपको गाड़ी का बोनेट और इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ। हमें गाड़ी का इंजन रूम कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है। भाई हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट करते हैं और भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। सर वालेकुम। ये भाई टोटल स्टार्टेड है, 78 का मॉडल है और इसमें एसी भी है, वर्किंग में है, सीएनजी लगा हुआ है, पेट्रोल पे है, गाड़ी के अलार्म टायर आपके सामने है,
डिमांड बहुत मुनासिब रखी है, 1,60,000 रुपये। हाँ, जिस भाई को चाहिए तो फिर हमारा नंबर आपको बता दें। मेरा नंबर है 0348-5267-077। आपका नाम? मेरा नाम इरफान। ये पेट्रोल पे अभी? जी पेट्रोल पे अभी। ठीक है, एक लीटर में कितना दे रही है अंदर? ये 10 से 12 किलोमीटर देती है। 10 से 12। जी जी, ठीक हो गया। और क्या डिमांड है इसकी? 1,60,000। कौन सा ओनर है ये? मैं खैर में सेकंड या थर्ड ओनर होगी। ठीक है, और बाकी इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए स्मार्ट कार्ड वगैरह बना हुआ है? सही सही। जी जी, रिटर्न फाइल है। आपका नाम? इरफान। आप दोबारा नंबर बता दीजिएगा। 0348-5267-077। ठीक हो गया भाई। ठीक, और लोकेशन कहाँ की है? लोकेशन मलीर, मलीर कराची। तो भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसलात वगैरह बता दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। हमारे सामने एक और गाड़ी है 2007 का मॉडल। अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक और साइड लुक वगैरह देख सकते हो। कोरे गाड़ी है। और अभी अगर टायरों की बात करें तो टायर हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। और अगर साइड लुक की बात करें तो साइड लुक से हमें गाड़ी कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको गाड़ी का बैक लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का बैक लुक दिखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का बैक लुक दिखने को मिल जाता है। और अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ। गाड़ी के गेट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ और सीटें वगैरह भी दिखा देता हूँ। और गेटों की बात करें तो गेट्स हमें गाड़ी के कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी के गेट्स। और अगर सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी की दिखने को मिल जाती हैं। अगर मैं आपको करीब से और सही से दिखा पाऊँ तो आप गाड़ी की गेट्स वगैरह भी देख सकते हैं और पीछे की कंडीशन वगैरह भी गाड़ी की देख सकते हैं। ऊपर छत की बात करें तो ये भी हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको गाड़ी का आगे का लुक दिखाऊं, आगे की सीट्स वगैरह दिखाऊं तो किसे, और अगर मैं आपको आगे के गेट्स दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आगे के गेट्स दिखने को मिल जाते हैं। और अगर हम सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाती हैं। आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख सकते हैं। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। आप गाड़ी का इंटीरियर वगैरह देख सकते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ। ओरिजिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट करवाता हूँ। और अगर मैं आपको इंजन रूम गाड़ी का दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है। तो अगर मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखाऊं तो कुछ इस तरह से गाड़ी का इंजन रूम हमें दिखने को मिल जाता है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं। भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं। भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई आप हमारे व्यूअर्स को बता दें गाड़ी का मॉडल कौन सा है, कौन सी गाड़ी है? भाई ये 2007 मॉडल है, एसी सीएनजी पेट्रोल सब ऑन है, फर्स्ट ओनर कार है। सही। बॉडी टचअप है, इनर फुल जेन्युइन है। डिमांड इसकी जो है 5.5 है। और पेट्रोल सीएनजी? पेट्रोल सीएनजी दोनों ऑन है, दोनों ऑन है। एसी भी ऑन है इसका। एसी भी ऑन है, ठीक हो गया। एक लीटर में कितना दे रही है? पर लीटर 13 से 14 किलोमीटर देती है। 13 से 14 किलोमीटर? ओ सॉरी, 14 किलोमीटर देती है पर लीटर। और ओनर कौन सा है? फर्स्ट ओनर कार है। फर्स्ट ओनर कार है, ठीक हो गया। और डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है? सब कंप्लीट है, ऑल कंप्लीट। आप अपना नंबर और नाम बता दीजिएगा। मेरा नंबर 0331327-1616। मेरा नाम है अबीबुल्ला। दोबारा बता दीजिएगा सिलेक्ट सर। 0331327-1616। मेरा नाम है अबीबुल्ला। ठीक हो गया। लोकेशन? लोकेशन डीएचए कराची, सॉरी इकरा यूनिवर्सिटी, डीएचए कराची। भाई ने गाड़ी की काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी है, 2000 का पूरा मॉडल है। अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो। और साइड लुक की बात करें तो साइड लुक से हमें कुछ गाड़ी इस तरह से दिखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको बैक गाड़ी का दिखा दूँ, गाड़ी के बैक लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का बैक लुक भी दिखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो आप गाड़ी के टायर वगैरह देख सकते हैं। टायर में गाड़ी के कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाते हैं। और अंदर की बात करो तो अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। और गेटों की बात करें तो गेट हमें कुछ इस तरह से बैक दिखने को मिल जाते हैं गाड़ी के। और अगर सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें गाड़ी की कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का अंदर से इंटीरियर वगैरह भी दिखा देता हूँ। आगे की सीटों की कंडीशन दिखा देता हूँ। आगे के गेटों की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के गेट्स दिखने को मिल जाते हैं आगे के। और सीटों की बात करें आगे की तो ये भी हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी होगी भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं।
तो आप गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन रूम दिखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको करीब से भी गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन रूम दिखने को मिल जाता है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं और भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन से भाई डिमांड का कर रहा है। इसका चेंज है 8,80,000 रुपए की डिमांड। ठीक हो गया। पेट्रोल सीएनजी दोनों पे? एक पे थ्रू आउट पेट्रोल, थ्रू आउट पेट्रोल। एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा? एसी पे 10 किलोमीटर दे रही है एक लीटर। ठीक हो गया। और इसकी क्या डिमांड रख रहे हैं? 8,80,000 रुपए। 8,80,000 और एक लीटर। हाँ ये तो पूछ लिया। ठीक हो। कौन सा ओनर है? फोर्थ ओनर। डॉक्यूमेंट सीपीएल सी सब क्लियर है। अपना नाम और नंबर और नाम बता दिएगा। मेरा नाम फैजान है, 0336391614 ये मेरा नंबर है। लोकेशन गुलशन इकबाल। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। तो भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी है। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। हमारे सामने एक और गाड़ी है 2008 का मॉडल। अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखने को मिल जाती है। और अगर हम टायरों की बात करें तो टायर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। आप गाड़ी का साइड लुक वगैरह भी देख सकते हो। अभी मैं आपको गाड़ी का बैक लुक वगैरह दिखा देता हूँ। बैक लुक की बात करें तो बैक से हमें गाड़ी कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। मैंने बार बार से आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा दी है। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गेटों की बात करें तो गेट हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। और अगर सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाती हैं। ये गाड़ी की हमें सीट्स कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती हैं। और अगर हम आगे की बात करें, आगे की सीटों की बात करें और इंटीरियर की बात करें तो आगे की सीट्स जो हैं, आगे के गेट जो हैं, हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाते हैं। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। और अगर मैं आपको सीटें वगैरह दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स वगैरह भी दिखने को मिल जाती हैं। तो अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ और उनके बाद जिन भाई की गाड़ी होगी भाई से कॉन्टेक्ट करवा देता हूँ। तो जिन भाई तो हमारे पास गाड़ी का इंजन हमारे सामने है। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन सही से दिखा देता हूँ। और अगर मैं आपको करीब से गाड़ी का इंजन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन दिखने को मिल जाता है। ये इंजन हो गया गाड़ी का। अभी मैं आपको गाड़ी के ओनर से मिलवा देता हूँ, उनसे पूछते हैं गाड़ी कौन सी क्या डिमांड कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करता हूँ, भाई से पूछते हैं गाड़ी कौन सी भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अंकल, हमारे व्यूवर्स को बता दें गाड़ी कौन सी है, क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है? ये 8 मॉडल है जी, और वाइट कलर में आपने देखा है हर चीज़। सही। और दो हल्के पीस टचअप हैं पीछे से। अच्छा, शावर हुई भी है? नहीं, शावर नहीं है, पूरी ओरिजिनल है। दो पीस हल्के से टचअप हैं सिर्फ। ठीक हो गया। और पेट्रोल सीएनजी दोनों पे, एक पे? सिर्फ पेट्रोल पे। सिर्फ पेट्रोल पे। एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा है कुछ, जैसे 12-13 कितना? नहीं, वो मेरे भाई हैं उनको अंदाजा है, मुझे नहीं है। भाई ज़्यादा चलाते होंगे। जी जी। ठीक हो गया। आप इसकी डिमांड क्या रख रहे हैं? 660। 660। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट सीपीएलसी सब क्लियर है? हर चीज क्लियर है, हर चीज। कौन सा ओनर है ये? ये थर्ड ओनर है। थर्ड ओनर है। ठीक हो गया। अपना नंबर और नाम बताना आप भाई। 0306317-5152 मेरा नाम इमदाद हुसैन है। और लोकेशन कहाँ की है? क्लिफ्टन की है। क्लिफ्टन। ठीक हो गया। भाई ने गाड़ी की काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। तो हमारे सामने एक और गाड़ी है 2005 का मॉडल। अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो और साइड लुक भी देख सकते हो। और अगर हम टायरों की बात करें तो हमें टायर कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। और आगे की बात करें तो आगे से हमें गाड़ी का कुछ इस तरह से लुक दिखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको गाड़ी का बैक लुक वगैरह दिखा देता हूँ और डिग्गी वगैरह भी दिखा देता हूँ। और अगर डिग्गी की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखने को मिल जाती हैं। अभी मैं आपको गाड़ी के टायर वगैरह भी दिखा देता हूँ। और टायरों की बात करें तो टायर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। अगर अंदर की बात करें, सीटों की बात करें और गेटों की बात करें तो गेट्स हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। आप गाड़ी की ये कंडीशन वगैरह भी देख सकते हैं। और अगर सीटों की बात करें तो सीट्स हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाती हैं। भाई ने फुल पन्नी वन्नी चढ़ाई भी है। और अभी मैं आपको आगे की गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आगे के गेट्स वगैरह। आगे के गेट्स की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के गेट्स दिखने को मिल जाते हैं। और अगर हम आगे की सीटों की बात करें तो आगे की सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी की दिखने को मिल जाती हैं।
और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। ये गाड़ी का इंटीरियर हो गया। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उनके बाद जिन भाई की गाड़ी हुई भाई से घुंटे करते हैं। इंटीरियर की बात करें और इंजन रूम की बात करें तो इंजन रूम कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको करीब से इंजन रूम दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन रूम दिखने को मिल जाता है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से घुंटे करते हैं और भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन से भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से घुंटे करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन से भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई। वालेकुम सलाम भाई। हमारे व्यूअर्स को बता दें गाड़ी के बारे में कुछ तफसील। 2005 मॉडल है गाड़ी, ओरिजिनल पेट्रोल पे यूज़ हुई है गाड़ी, सीएनजी रिमूव है गाड़ी में से, और गाड़ी हम फाइनल देंगे ये 5,60,000 रुपये की। 5,60,000 जी। डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, सीपीएलसी क्लियर है, ओरिजिनल टिकली, ओरिजिनल नंबर प्लेट, चारों टायरों की आपने कंडीशन देखी होगी, और गाड़ी भट्टी शावर है बाहर से, इनर फुल जेन्युइन है गाड़ी का, सस्पेंशन वगैरह ओके है गाड़ी का, ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट सीपीएलसी वगैरह सब क्लियर है। सब क्लियर है। कौन सा ओनर है? सेकंड ओनर। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं दोबारा बता दीजिएगा। फाइनल ये फाइनल देंगे 5,60,000 रुपए की। ठीक हो गया। और 1 लीटर में कितना दे रही है पेट्रोल पे अंदाजा? ये शहर के अंदर देती है 13 और लॉन्ग रोड पे देगी 14। अपना नंबर और नाम बता दीजिएगा। 03121044622। आपका नाम? मेरा नाम शिराज। शिराज, ठीक हो गया। लोकेशन भाई? लोकेशन कोरंगी। ठीक हो गया। भाई ने गाड़ी की काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी है, 2011 का मॉडल है। अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कंडीशन वगैरह देखने को मिल जाती है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाता है, और अगर टायरों की बात करें तो टायर भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको गाड़ी का बैक लुक दिखाऊं तो अभी मैं आपको गाड़ी का बैक लुक भी दिखा देता हूं किस तरह से हमें गाड़ी का बैक लुक दिखने को मिल जाता है। बैक लुक की बात करें तो बैक से हमें गाड़ी की कुछ इस तरह से कंडीशन दिखने को मिल जाती है। ये गाड़ी का बैक लुक हो गया। अगर मैं अभी आपको अंदर से गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ, अभी मैं आपको गाड़ी की अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ और गेट्स दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के गेट्स दिखने को मिल जाते हैं। आप गाड़ी के गेट देख सकते हैं। और अगर हम सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाती हैं। ये गाड़ी की सीट्स वगैरह हो गई। अभी मैं आपको गाड़ी के आगे की सीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ और इंटीरियर वगैरह दिखा देता हूँ। आगे के गेटों की बात करें तो गेट्स हमें कुछ इस तरह से आगे के दिखने को मिल जाते हैं। और इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी हाँ बिल्कुल साफ़ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी दिखने को मिल जाता है और डैशबोर्ड वगैरह भी। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी हुई भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं। इंजन रूम की बात करें तो इंजन से हमें गाड़ी कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। आप गाड़ी का इंजन रूम देख सकते हैं। ये गाड़ी का इंजन रूम हो गया। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करता हूँ, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन से भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई। वालेकुम सलाम भाई। हमारे व्यूअर्स को बता दें कौन सा मॉडल है, क्या डिमांड कर रहे हैं, कितना चली हुई गाड़ी के बारे में। भाई ये 2011 मॉडल है, VX CNG कंपनी जो आती है, और इसकी डिमांड है 4,85,000 रुपये। गाड़ी बाहर से टचअप है तकरीबन, बाकी अंदर गाड़ी सही है कंडीशन में, मेजर एक्सीडेंट नहीं है गाड़ी, कोई लगी हुई नहीं है, टायर वायर सही है, इंजन वाइज भी ओके है गाड़ी। इंजन वाइज भी ओके जी। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हर चीज़ क्लियर है। ओनर कौन सा? मुस्तफा, नंबर है 0332-273-7188। लोकेशन कहाँ की? गुलजार एजरी। ठीक हो गया भाई ने गाड़ी के बारे में काफी तफसीलात वगैरह बता दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी है, 86 का मॉडल है, भाई ने शायद बताया, दोबारा पूछ लेंगे अगर ये ना हुआ तो। तो अभी आप गाड़ी की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का फर्स्ट लुक वगैरह दिखा सकता हूँ। तो अगर आगे की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से गाड़ी की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है, और अगर टायरों की बात करें तो टायर से भी हमें गाड़ी की कुछ इस तरह से गाड़ी की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। अभी मैं आपको गाड़ी का बैक लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ और अंदर से गाड़ी की कंडीशन वगैरह भी दिखा देता हूँ। बैक लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें बैक लुक गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह भी दिखा देता हूँ। गेटों की बात करें तो गेट्स हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। आप गाड़ी के गेट्स वगैरह देख सकते हैं। और अगर हम सीटों की बात करें तो सीट्स हमें गाड़ी की कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती हैं। ये गाड़ी की सीट साइज से दिखा सकता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स वगैरह दिखने को मिल जाती हैं।
और अगर हम आगे की बात करें, इंटीरियर की बात करें, तो आगे की गेटों की बात करें तो आगे के गेट्स हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको आगे के इंटीरियर वगैरह दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह से आगे का इंटीरियर हमें दिखने को मिल जाता है। और आगे की सीटों की बात करें तो आगे की सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाती हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर तो दिखा चुका हूँ, अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम दिखाता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी की भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास गाड़ी का इंजन रूम सामने, अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का इंजन रूम करीब से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन रूम दिखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको अगर करीब से दिखा पाऊँ, ये गाड़ी का इंजन रूम हो गया। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करता हूँ, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई। वालेकुम सलाम भाई। हमारे व्यूअर्स को बता दिए कि गाड़ी कौन सी है, क्या डिमांड कर रहे हैं। 86 मॉडल है ये, सही हो गया। और इसके 250 डिमांड है। 250 डिमांड कर रहे हैं, पेट्रोल पे या पेट्रोल सीएनजी दोनों है। दोनों है, ठीक हुआ। पेट्रोल पे मतलब एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा है कुछ? 10 तो देती होगी। 10 तो देती है मतलब शहर के अंदर, और हाईवे पे तो ज्यादा हो जाता है। और क्या डिमांड रख रहे हैं दोबारा बता दीजिए। 250 नागन चुरंगी। भाई ने गाड़ी की काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी है, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। हमारे सामने एक और गाड़ी है, 2015 का मॉडल है। अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो। और टायर मैं आपको गाड़ी के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के टायर वगैरह दिखने को मिल जाते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का साइड लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखने को मिल जाती है। ये गाड़ी के कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखने को मिल जाती है साइड से। और अगर हम बैग की बात करें तो बैग भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। ये बैग हमें गाड़ी का कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको गाड़ी के अगर अंदर से कंडीशन वगैरह दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखने को मिल जाती है। सीटों की बात करें तो सीट हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती हैं। और अगर मैं आपको करीब से भी दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की कंडीशन वगैरह भी दिखने को मिल जाती है। और अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे से भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी दिखने को मिल जाती है। आप गाड़ी की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, नीचे से भी आप देख सकते हैं गाड़ी की पूरी कंडीशन वगैरह। अभी मैं आपको गाड़ी का आगे से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको गाड़ी का गेट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, तो आप गाड़ी के गेट्स वगैरह देख सकते हैं। गेट्स हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाते हैं। और अगर हम सीटों की बात करें तो सीट्स भी हमें कुछ इस तरह से गाड़ी के दिखने को मिल जाती हैं। ये गाड़ी की सीट्स वगैरह हो गई। और अगर हम इंटीरियर और डैशबोर्ड की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से इंटीरियर और डैशबोर्ड मिलने को दिखने को मिल जाता है। इंटीरियर और डैशबोर्ड हमें कुछ इस तरह से गाड़ी का दिखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें सही से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें गाड़ी फुल देखने को मिल जाती है। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन से भाई डिमांड क्या कर रहे हैं। सलाम भाई। वालेकुम सलाम भाई। हमारे व्यूवर्स को बता दें गाड़ी के बारे में कुछ तफसीलात वगैरह। जी सर, ये 12 का मॉडल है और 15 एंड की रजिस्ट्रेशन है, और इसका इंजन अपना है, सेकंड ओनर है, और इसके एक डोर पिछले जो एक डोर है ना वो ऑटो है, और चारों शीशे जो है ना वो पावर है, और इसके रिट्रैक्टेबल मिरर है, और गाड़ी में एक दो पीस टचअप है, सेकंड हुनर है, और उसके डिमांड जो है ना वो 13,40,000 रुपये है। ठीक हो गया जी। अपना नंबर और नाम बता दिएगा। जी सर, मेरा नंबर है 03422578856। ठीक हो गया। और आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम है आबिद। लोकेशन साइड एरिया। ठीक हो गया भाई। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी है, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। सो फाइनली दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूवर्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी हम लोगों को, जो है वो नॉर्मल पुरानी गाड़ियों के बोला था कि भाई आप पीछे के मॉडल्स वगैरह जो है हम लोगों को लाजमी दिखाएं, यानी कि 2004 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो हम लोग की कोशिश ये होती है यार कि पीछे के जो मॉडल्स हैं ना, यानी कि जो हमारे ज़्यादातर पब्लिक के देखने वाली, वो हमें ज़्यादातर कमिट कर रही होती है कि भाई ज़्यादा नॉर्मल रेंज में जो है आप लोग गाड़ियाँ वगैरह दिखा दें, तो उस पर ज़्यादा हम लोगों ने जो है फोकस करा है। बाकी कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जो हमारी महंगी गाड़ियाँ हैं, यानी कि आगे के मॉडल हो गए, 2010 हो गए, 12 हो गए, XLI हो गए, GLI हो गए, यानी कि बड़ी गाड़ियाँ जो है जिनके रेट ज़्यादा हैं उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन अभी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को जो है वो ज़रूरी लाइक करना है आप लोगों ने, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया हो, आप लोगों को कुछ अपडेट मिली हो रेट्स वगैरह के हवाले से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है आप लोग देख सकें। शुक्रिया, तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।